नमस्कार, रफ्तार मीडिया की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम इफको यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक सरकारी संस्था है जो किसी की परिचय की मोहताज नहीं है। ये सहकारी क्षेत्र की रासायनिक खाद्य बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी को दुनिया के शीर्ष 300 सहकारी संगठनों की सूची में पहला स्थान भी मिल चुका है। ये रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है और ये दर्शाता है कि इफको राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है और ये एक गैर सरकारी कोऑपरेटिव संगठन है जिसकी स्थापना साल 1885 में हुई थी। इफको की आगे की नई तकनीक क्या है, किस तरह ये और भी आगे पैठ जमाएगा, तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टेट मार्केटिंग मैनेजर डॉक्टर एसबी समादर्शी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इफको किस तरह से आगे अपनी पैठ जमाने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले ये जो सहकारी संस्था है और इफको किस तरह से आगे पैठ जमाने वाली है और किस किस तरह की जो रासायनिक खादें आप लोगों के पास तैयार की जाती है उसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले इफको की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी और यह एक भारत की राष्ट्रीय स्तर की एक सहकारी संस्था है। और इफको यूरिया जो उर्वरक है, यूरिया उर्वरक एवं फास्फेटिक उर्वरक के साथ साथ अभी हम लोग नैनो जो उर्वरक है बोतल वाली उसको हम लोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो मिट्टी में जो पोषक तत्व की कमी है उसके लिए हम लोग द्वितीयक तत्व और सूक्ष्म तत्व के उर्वरक हम लोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो यूरिया का हमारे पास 3 प्लांट हैं एवं फास्फोरिक एसिड का 2 प्लांट हैं और अभी जो नैनो जो है उर्वरक उसके हम लोग 3 प्लांट है और अभी एक हाल फिलहाल में झारखंड में एक देवघर में स्थापना हुई है जिसे अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो ये सब इफको की पूरी गतिविधियां हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये जो उर्वरक हम लोग जो बना रहे हैं पूरा गुणवत्ता युक्त उर्वरक है और किसानों को सहकारी पैक्स और लैंप्स या जो भी सहकारी संस्थाएँ हैं राज्य सरकार की उसके माध्यम से हम वितरित करते हैं एवं इसके साथ साथ जो हमारे और IFFDC की संस्था है एवं इफको ई बाजार की जो फ्रेंचाइजी है उनके माध्यम से हम इफको उर्वरक की बिक्री संपादन करते हैं। सर, रासायनिक खाद जैसी तो बहुत सारी कंपनियां रासायनिक खाद बनाती है लेकिन इफको यहां पर खुद को अलग कैसे करती है? देखिए, इफको एक सहकारी संस्था है तो इफको का मेन उद्देश्य है कि हम किसानों को कैसे अधिक से अधिक सेवा कर सकें, जिसके लिए हम लोग उर्वरक के साथ साथ उसका जो अल्टरनेटिव जो और जो किसानों को चाहिए जो इस मिट्टी में जो तत्व की कमी है, बहुत से सूक्ष्म तत्व की कमी है, तो उसको कैसे किसानों को दिया जाए उसके बारे में हम किसानों के साथ मीटिंग करते हैं, किसान सभा करते हैं, उनके खेत पर जो क्षेत्र प्रदर्शन होता है क्षेत्र प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ किसानों को ग्रुप में कई सभी जिलों में उनको कृषि की नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। और किसानों से क्या रिव्यू मिलता है, आप लोग जाते हैं किसानों से बातचीत करते हैं, किसानों का क्या कुछ कहना है? किसान का सबसे है कि इफको का जो रहता है उर्वरक सबसे गुणवत्ता युक्त रहता है और मार्केट में जब तक इफको का फर्टिलाइजर रहता है तब तक वो मतलब हम लोग को अच्छे भाव में मिलता है। नहीं तो इफको का उर्वरक अगर मार्केट में कभी कभी खत्म होता है तो अन्य कंपनियों का जो उर्वरक का भाव बढ़ जाता है। तो इफको एक पूरे राज्य में एक बफर का काम करती है जिसके कारण किसान को एक अच्छे मूल्य पर हमारी गुणवत्ता युक्त जो उर्वरक है वो मिलता है। किसानों की बात हो रही है तो ज्यादातर आपने देखा ही होगा सर कि किस तरह से किसान सड़कों पर भी उतरे थे क्योंकि फसल की जब बारी आती है कभी ऐसे होती है कि बारिश की मार पड़ती है, कभी सूखा पड़ जाता है तो किसानों के ऊपर बहुत सारी समस्या खड़ी होती है और इस दरमियान अगर फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किसान चाहते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से कम मूल्य पर इन सब रासायनिक खादों का उपयोग करने का मौका मिले, कम मूल्य पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सके ताकि खेती भी अच्छी हो और उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके। इसके बारे में अगर इफको की बात करें तो इफको किस नजरिए से इसे देख रही है? किसान
अभी जितने जब हमारा हरित क्रांति शुरू हुआ था 1967 में, तब से किसान रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहा है और आज के तारीख में उर्वरक की जो मूल्य है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके कारण किसान को उस ढंग से लाभ नहीं मिल रहा है। तो इफको उसके बारे में एक पहल की, तो पहल करने के बाद 4-5 साल के बाद रिसर्च के बाद हम लोग को नैनो उर्वरक पर सफलता मिला। और ये नैनो उर्वरक एक ऐसा उर्वरक है जो एक बोतल के रूप में आता है, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया। सबसे पहले हम लोग नैनो यूरिया में सफलता पाए, उसके बाद नैनो डीएपी में पाए। तो ये एक बोतल एक बोरा के समान है। तो हम लोग किसान को यही मतलब रिकमेंड करते हैं कि आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग 50% कम करें, तो आपका 50% का पैसा का बचत होगा। उसी पैसे से आपको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मूल्य बहुत कम है। नैनो यूरिया 225 रुपया है, नैनो डीएपी 600 रुपया, जबकि एक बोरा डीएपी का मार्केट मूल्य है 1450 रुपया, यूरिया आपका 266 रुपया। तो इस तरीका, और इस जो हमारे रासायनिक जो उर्वरक है नैनो जो डीएपी और यूरिया, उसमें सब्सिडी बहुत है। अगर सब्सिडी की मात्रा जोड़ लिया जाए तो एक बोरा यूरिया का मूल्य हो जाता है 2500 रुपया। उस तरीके से डीएपी में हमारा सब्सिडी है, तो सब्सिडी अगर लगा दिए तो काफ़ी मूल्य बढ़ जाता है। तो हम किसानों को हम लोग यही सलाह देते हैं कि रासायनिक उर्वरक की मात्रा को आप अधिक प्रयोग कीजिए, और उसके जो आधी मात्रा है वो नैनो उर्वरक से आप अल्टरनेटिव के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका मतलब कम खर्च भी होगा और उत्पादन भी अधिक होगा। इसके साथ साथ हमारा मिट्टी भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मिट्टी को सबसे पहले स्वस्थ रखना है। रासायनिक उर्वरक का जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समादर्शी जी, अब आपके पास जैसा मैं देख रही हूँ कि रासायनिक खादें आप लेकर आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी तो आप दिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी ज्यादा जानकारी मिले, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो किसान होंगे, उनको जानकारी वो लोग दे सके और बता सके कि इफको का यूज करना, इफको की तरफ से जो खाद्य पदार्थ रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण है और आप लोगों को उपयोग करना चाहिए, थोड़ी सी और जानकारी सर। इसमें सबसे पहले यूरिया जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया प्रयोग अगर किसान जो यूरिया प्रयोग कर रहा है उसका मात्र 25-30% ही पौधा ले पाता है, बाकी जो यूरिया है वो अमोनिया के रूप में हवा में उड़ जाता है और नाइट्रेट बन के जो हमारा ग्राउंड वाटर है भूमिगत जल में चला जाता है, जिससे हमारा पीने का पानी भी खराब हो रहा है। लेकिन डीएपी में क्या हो रहा है कि डीएपी जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसको मिट्टी में मात्र 18-20% ही फास्फेटिक खाद पौधा ले रहा है, और बाकी 80% अघुलनशील। हमारे झारखंड की मिट्टी में अल्मोनियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो अल्मोनियम फास्फेट जो अघुलनशील है के रूप में वो मिट्टी में जमा हो जाता है, जो कि मिट्टी धीरे धीरे कड़ी हो जा रही है। तो ये जो दो रासायनिक जो हमारे बोरे वाले जो हैं यूरिया और डीएपी, ये दोनों के जो दुष्प्रभाव हैं, एक तो मिट्टी हमारी हो रही है खराब, दूसरे भूमिगत जल भी खराब हो रहे हैं, मिट्टी कड़ा हो रही है। इसके साथ साथ जो मिट्टी में जो बहुत से जो लाभदायक जीवाणु थे वो भी धीरे धीरे हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो इसके अल्टरनेटिव जो हम लोग जो निकाले हैं नैनो उर्वरक, नैनो यूरिया और नैनो डीपी। तो नैनो यूरिया एक नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना हुआ एक तरल यूरिया है, जो कि पत्तों के ऊपर छिड़काव होता है। जब हमारा पौधा 25-30 दिन हो जाए तब हम इसकी पहली छिड़काव करते हैं, 1 लीटर में 5 ml, 5 ml 1 लीटर में घोलकर इसको पत्ते के ऊपर स्प्रे किया जाता है। लेकिन डीएपी जो है, डीएपी आपको बीज शोधन, जड़ शोधन एवं पत्ते के ऊपर भी हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। 5 ml 1 किलो बीज के लिए हम बीज शोधन कर सकते हैं, जड़ शोधन भी अगर हम 1 लीटर जल में पानी में 5 ml मिला के हम किसी भी पौधे को धान के जड़ को सब्जी के जड़ को हम शोधन करके उसको फिर मेन जो हमारा जो खेत है उसमें लगा सकते हैं। और तीसरा इसका जो ये आपको पत्ती के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं, 4 ml 1 लीटर पानी में मिला के इसको हम पत्ती के ऊपर छिड़क सकते हैं। एक बोतल 1 एकड़ का डोज है, हाँ 1 एकड़ में 1 बोतल से आराम से मतलब छिड़काव हो जाती है, जिससे कारण कि किसानों का मतलब कम पैसा कम खर्च होता है। अब छिड़काव जहाँ तक आता तो छिड़काव के लिए हम लोग किसानों को बैटरी चालित मशीन है, स्पेयर मशीन और पावर स्पेयर मशीन दे रहे हैं।
इसके साथ साथ हम लोग झारखंड में अभी 12 ड्रोन हम लोग लाए हैं, तो 12 ड्रोन हमारे पूरे झारखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी जिसके माध्यम से हम लोग करीब करीब 1000 एकड़ स्प्रे अभी तक किया है 2 महीने में। तो ये सब चीज़ें हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं जिसके कारण किसान उसका लाभ उठा सके। सरकार अगर बात कर रहे हैं सर झारखंड की, तो झारखंड जहां तक है पठारी इलाका है, किसान किस तरह से यहां खेती कर सके, किस तरह से अपने जमीन को खेती लायक बना सके, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या मुझे लगती है। आपको क्या लगता है कि ये एक समस्या है, और अगर ऐसी समस्या है तो किस तरह से इसे दूर किया जा सकता है, किस तरह से खेती लायक जमीन बनाई जा सकती है? देखिये झारखंड में जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो आपको पठारी एरिया है, खेत के जोत आकार बहुत कम है, छोटे छोटे आकार हैं, इसके साथ साथ आपका यहाँ की जो मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी है। तो सबसे पहले हम यही सलाह किसानों को देंगे कि आप कम से कम साल में एक बार चूना का व्यवहार जरूर करें, 200 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जून के महीने में डाल दें, जिससे कि कारण आपका जो मिट्टी में जो अम्लीय है अम्ल कट जाएगा, जिस कारण मिट्टी का जो पीएच है थोड़ा सा ऊपर आ जाने से आपका खेती में जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा। तो पहला तो किसानों के लिए है कि चूना का प्रयोग साल में कम से कम एक बार जरूर करें। दूसरा जो है इसके साथ साथ जो हमारा झारखंड में सबसे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग होता है, लास्ट ईयर का अगर देखेंगे तो करीब करीब आपका 3.22 मैंने 322,000 टन यूरिया का प्रयोग किसानों ने किया है। तो कि यूरिया का प्रयोग ज़्यादा होने से कारण क्या होता है कि हमारा पौधे बहुत बढ़ जाते हैं, पौधे मुलायम हो जाते हैं, जिससे कारण हमारे कीड़े मकोड़े और रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। तो सबसे पहले यूरिया का भी हम लोग प्रयोग इसमें कम करेंगे, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि किसान उसके बदले अल्टरनेटिव जो हमारा जो उर्वरक है नैनो उर्वरक उसको प्रयोग करके वो लाभ ले सकते हैं। नैनो उर्वरक के बारे में ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको कैसे प्रयोग करना है। तो ये एक हमारा सबसे अच्छा झारखंड के लिए है, क्योंकि इसमें आप स्प्रे करने में छोटे छोटे अगर प्लॉट हैं तो आप नैनो यूरिया के माध्यम से और आप उसको स्प्रे कर, जिसके कारण कि आपको पत्ते में रोग भी कम लगेगा, पत्ते में कीड़ा भी कम आएंगे, क्योंकि इसको देने से आपके पत्ता हरा बहुत कम मतलब मुलायम नहीं होगा, पत्ता पूरा अच्छा टाइट रहता है और डीप हरा नहीं होता है, जिसके कारण कि कीड़े मकोड़े का प्रकोप कम होता है इसके कारण। और डीएपी नैनो डीएपी देने से क्या होता है, जड़ का अच्छा विकास हो जाता है। तो जब पौधे का जड़ का अच्छा विकास हो गया तो ऑलरेडी है कि वो पोषक तत्व मिट्टी से अच्छा लेंगे और उनका अच्छा से विकास होगा। तो ये सब चीजें इसके फायदा है जो कि किसान उठा सकते हैं प्रयोग करके। किसानों की तो बात हो गई, लेकिन अब थोड़ी सी सर वो जो घर में खेती बाड़ी होती है मैं उसकी भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छा लगता है कि भाई हम खेती करें, हालांकि उनके पास इतनी तो जमीन नहीं रहती है कि किसानों की तरह खेती कर सके, लेकिन हो सकता है कि घर में कोई टमाटर के पौधे लगा ले, बैंगन के पौधे लगा ले, और कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात के बाद या फिर पहले हम देखते हैं कि पौधों में कीड़े लगते हैं, तो क्या उन सब जगहों पर भी ये यूज करना अच्छा रहेगा? बिल्कुल, किचन गार्डनिंग के लिए भी ये रामबाण है। अगर किनके पास घर के आसपास जमीन है या कोई शौक है अपने छत के ऊपर भी करने के लिए, तो इसको से बीज शोधन या जड़ शोधन कर सकते हैं, नहीं तो अगर पौधे में 8 से 10 पत्ते आ गए हों, अगर आप गमले में भी लगा लिए हों या किचन गार्डन के आसपास भी लगा लिए हों, अगर 8-10 पत्ते आ गए हों, कम से कम 30 दिन का पौधा हो, तो आप एक बार नैनो यूरिया नैनो डीएपी का आप स्प्रे करके आप उर्वरक जो हमारे रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं, जिसके कारण कि आपका एक घर में ही एक ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइप का आपको एक मिलेगा जो। और इसके देने से क्या होगा कि हमारी जो फसल की जो गुणवत्ता है या साग सब्जी की जो गुणवत्ता है, आजकल सबसे बड़ी समस्या स्वाद का, स्वाद नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती है उससे, इससे देने से। तो किचन गार्डन में भी हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो शहर में जो छत पर जो गार्डनिंग करते हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि स्वाद नहीं आता है, ये बिल्कुल सही बात है कि केमिकल्स का यूज इतना ज्यादा आजकल हो रहा है कि सब्जियों में स्वाद नहीं आता है। अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केमिकल का असर है और इससे शरीर के कह सकते हैं कि हेल्थ पर भी असर पड़ता है, देखा जाता है, तो क्या हम मान लें कि इफको की जो रासायनिक उर्वरक बनाई गई है ये बिल्कुल ही एक तरह से स्वस्थ है, यूज करने से इस तरह से कोई इफेक्ट नहीं होगा, आराम से लोग यूज कर सकते हैं? ये जो दोनों उर्वरक हैं जो हमारे सामने जो बोतल में है नैनो यूरिया नैनो डीप, ये बिल्कुल इसमें रासायन की मात्रा बहुत कम है, मात्र 20 ग्राम यूरिया इसमें है,
एक बोरा अगर आप प्रयोग करते हैं तो यूरिया 45 केजी का होता है और डीएपी 50 केजी का होता है। अगर हम 50 केजी खेत में डाल रहे हैं, 45 केजी यूरिया एक बीघा खेत में डाल रहे हैं, लेकिन इसमें उसी यूरिया से ये आपको नैनो यूरिया बना जो मात्र 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम यूरिया से एक आपको एक बोरे बोतल के बराबर एक काम कर रही है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो बिल्कुल ये सेफ है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है और ये इन्वायरमेंटल फ्री है, मतलब इन्वायरमेंट को मतलब एकदम शुद्ध करने वाला है। और इसको पत्ती पर हम लोग स्प्रे कर रहे हैं तो मिट्टी में भी इसका नहीं जा रहा मात्रा, बहुत नाम मात्र जा रहा है। तो इसके कारण ये दोनों तरफ से सीट सेफ है एवं हमारे स्वदेशी टेक्निक से बना है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सब्सिडी भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का इसमें सब्सिडी भी नहीं है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल अच्छे ढंग से एक कारगर एवं सस्टेनेबिलिटी जो बोलते हैं, जो टिकाऊ खेती, इससे हम लोग टिकाऊ खेती कर सकते हैं और हम अपने मिट्टी को और हम अपने समाज को स्वस्थ कर सकते हैं। समादर्शी जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, इफको कंपनी अच्छी खासी अपनी पैठ पसार चुकी है, देश भर में है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी हम देख रहे हैं, झारखंड में फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, झारखंड में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि रासायनिक उर्वरक को कम प्रयोग करें, किसानों को हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस का सोर्स, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, उसको हम लोग प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसको देने से क्या होगा कि हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि हमको सबसे पहले मिट्टी को स्वस्थ करना है, उसके साथ साथ जो हमारे जो मानव हैं, मानव को भी स्वस्थ करना है। क्योंकि आजकल पूरे ह्यूमन बीइंग में हम देखते हैं, समाज में सबसे बड़ी समस्या कोई स्वस्थ नहीं है, सब लोग बीमार हो रहे हैं। तो और इसका कहीं ना कहीं असर सर खान पान पर भी मुख्य तौर पर माना जा रहा है कि खान पान से ही इसका असर पड़ रहा है। तो हम लोग झारखंड में नहीं, सभी पूरे हम लोग देश में जो जो मिट्टी में जो कमी है उसके लिए हम लोग पोषक तत्व किसानों को दे रहे हैं। जैसे झारखंड में सबसे बड़ी समस्या है बोरान की, यह अम्लीय मिट्टी है, बारिश ज्यादा होता है तो बोरान नहीं मिलता है, और बोरान का सबसे महत्वपूर्ण काम है आपको मतलब फल फूल बढ़ाना, फल जैसे फल गिरने की समस्या होती है, फूल गिरने की समस्या, वो बोरान का मेन है काज। तो बोरान का सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं किसानों को, आप साल में एक बार जरूर बोरान का प्रयोग करें। दूसरी चीज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बहुत मतलब एक अच्छा है, हमारे जो थाली में आ रहा है वो न तो जिंक है, न आयरन है, न मैग्नीशियम है, तीनों की कमी हो रही है, जिसके कारण कि हम लोग का जो खासकर मैग्नीशियम से जो आपको हाई बीपी जो वाले हैं वो मतलब हो जाता है, जो मतलब बीपी बढ़ जाती है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम कमी से डॉक्टर लोग। तो मैग्नीशियम भी हम लोग झारखंड में किसानों को सलाह दे रहे हैं कि मैग्नीशियम भी कम से कम आप साल में एक बार किसी फसल में आप प्रयोग करके आप अपने भोजन में कम से कम आयरन, जिंक, मैग्नीशियम को भी आप ला सकते हैं, जिसके कारण कि हम बीमार कम पड़े। ये चीज हमारा इफको का सोच है। सर, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से मिट्टी में भी कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इसे इसके क्या समाधान निकाले जा सकते हैं? नहीं, रासायनिक उर्वरक का तो मैंने ऑलरेडी समाधान बता दिया कि हम रासायनिक सार का मात्रा को 50% कम करना होगा। जब तक हम 50% कम नहीं करेंगे तब तक हम इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। पहली चीज, अब उस 50% को जो क्षतिपूर्ति है उसको हम नैनो उर्वरक के माध्यम से ही किया जाएगा। ये नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, ये दोनों बहुत अच्छे मतलब उर्वरक हैं, और हमारे पूरे भारत में ही कहिए या राज्य राज्य झारखंड में कहिए कि यूरिया और डीएपी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, और दो उसके अल्टरनेटिव हमारे पास हैं, और इसका कोई मिट्टी में कोई मिट्टी में पौधे के ऊपर जाता है, पौधा आपको तुरंत इसको ऑब्जर्व कर लेता है, और इसके पौधा लेने से 20-25 दिन तक पौधा हरा होता है। यूरिया में सबसे बड़ी कमी ये थी कि यूरिया देने के बाद पौधा तो हरा तो हो जाता था, लेकिन वो 7 दिन के बाद उससे हरापन गायब। तो गायब होने के कारण क्या होता था कि पौधे में क्लोरोफिल नहीं बनता था, क्लोरोफिल नहीं बनने से पौधे में भोजन की कमी हो जाती थी और वो अच्छे ढंग से दाने बनने में प्रॉब्लम होते थे। तो इसको देने से क्या होगा कि हमारा दाना भी पूरा भर रहा है और अच्छा प्रोडक्शन भी हो रहा है, प्रोडक्शन मिनिमम आपको इसको देने से 4-5% हमारा उपज बढ़ जाती है और मिट्टी भी हमारा स्वस्थ रहता है। सर, अब इफको की अगर हम बात कर रहे हैं तो आगे और क्या कुछ करने के बारे में ये संस्था सोच रही है, आगे और क्या चीज की डेवलपमेंट की जरूरत है? आपने कहा कि बहुत कुछ है इफको में, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं यूरिया का तो कहीं ना कहीं पौधे में बहुत अच्छा असर देखा जा रहा है, कोई भी केमिकल इसमें मिक्स नहीं है, हेल्थ अच्छा हो रहा है, तो इसके साथ और क्या लगता है कि जरूरत है, कुछ और चीजों की जरूरत है? इस नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के अलावा हम लोग और दो जो उर्वरक हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, नैनो जिंक, क्योंकि आजकल जिंक से बहुत बीमारी हो रही है, जिंक की कमी से, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो जो भी हो,
हमारे जिंक से आपको जो है बाल सफ़ेद हो रहे हैं, नाखून सफ़ेद हो रहे हैं, आपका ORS जो आजकल डॉक्टर लिख रहा है ORS प्लस जिंक, पहले ORS सिंपल आता था क्योंकि उसको जिंक देने से हमारा मतलब जल्दी मतलब रिकवरी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम लोग जिंक का सबसे बड़ी कमी है मिट्टी में, तो हम लोग अब नैनो जिंक लाए हैं और नैनो कॉपर, तो दो इसके अलावा दो सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे के लिए आए हैं जो कि हमारे समझ से आगे आने वाले किसानों के लिए अच्छा होगा और किसानों का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा नैनो जिंक और नैनो कॉपर का प्रयोग करने से खेत में, क्योंकि हम लोग तो जिंक खेत में प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो जिंक खेत में प्रयोग कर रहे हैं उसकी जो इफिशियंसी है इतनी कम है कि पौधा ले नहीं पाता है, लेकिन ये जो नैनो जिंक और नैनो कॉपर जो अगर स्प्रे कर देते हैं तो पौधा उसको 90% उसका प्रयोग कर लेता है, यूज कर लेता है, जिसके कारण कि जिंक की इफिशियंसी बढ़ जाती है और हमारे जो भी फसल है उसमें जिंक की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होगा कि हमारा मतलब जो जिंक इसका प्रयोग किस तरह से किया जाएगा सर? ये भी आपका स्प्रे है, ये भी पौधे को ऊपर स्प्रे है, मिट्टी में नहीं देना है। हमारे जो भी नैनो जो है उर्वरक, लिक्विड उर्वरक जल, तो ये जितने भी नैनो उर्वरक हैं ये सब पत्ती के ऊपर स्प्रे करते हैं, ये मिट्टी में नहीं दिया जा सकता है, ये पत्ती के ऊपर ही स्प्रे कर सकते हैं, पत्ती एस्टोमेटा के माध्यम से पत्ती अब्जॉर्ब करती है और पौधे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार से वो समय समय पर उनसे नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक ग्रहण करते हैं, लेते हैं, ये चीज़ है। बिल्कुल सर, कंपनी बहुत पहले स्थापित की गई थी, सही है, सहकारी संस्था बहुत पहले बनी थी, वहां से लेकर अब तक का जो सफर है, कितनी परेशानियां देखते हैं कि किस तरह से सहकारी संस्था खुद को समेटी और इतनी दूर पहुंची है और अब लग रहा है कि कितना किसानों का साथ मिल रहा है। देखिए, हमारा जब संस्था जब स्थापना हुआ था 3 नवंबर 1967 को, तो मात्र उसमें 34-35 समिति के मिलाकर स्थापना हुई थी, उसमें भारत सरकार का बहुत सहयोग था। धीरे धीरे ये संस्था बढ़ती गई, उसके बाद सबसे पहले हमारा यूरिया प्लांट बना, उसके बाद फिर DAP का प्लांट बना और आज के डेट में हमारे 40,000 सहकारी समिति सदस्य हैं, मेंबर हैं, जिसको बोलते हैं स्टेक होल्डर या सेल होल्डर जो बोलिए, और उनको हम 20% डिविडेंड देते हैं, जितने भी हमारे 40,000 जो सहकारी समिति है 20% डिविडेंड देते हैं। तो इन सहकारी समितियों का भी बहुत बड़ा IFFCO को आगे बढ़ाने में योगदान है और धीरे धीरे IFFCO, पहले तो सिर्फ यूरिया बनता था DAP, आजकल तो IFFCO का तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत सूक्ष्म तत्व की कमी हुई तो सूक्ष्म तत्व का भी हमारे पास उर्वरक है और जो अभी दो नए उर्वरक जो आए हैं नैनो यूरिया नैनो DAP, ये भी मतलब किसानों के हित में अच्छा है। तो हम ये सब कह सकते हैं कि 35 समिति के माध्यम के स्टार्ट हुआ था IFFCO और आज 40,000 से ज़्यादा इसके सदस्य हैं और सभी सदस्यों को हम 18% डिविडेंड भी देते हैं, जिसके कारण IFFCO अपने ग्रोथ में संभव हो पाई, ग्रोथ करने में। सर, किसानों के बीच जा रहे, आप कहते हैं कि किसानों के साथ में मीटिंग भी होती है, आप लोगों की बातचीत होती है, किसान कितना पसंद कर रहे हैं और किसानों का क्या कुछ कहना है? अभी जो किसानों की जो हैबिट है बोरा वाला यूरिया बोरा वाला DAP डालने की, तो अभी उस हैबिट को सभी किसान नहीं पकड़, लेकिन हम लोग का कोशिश ये है कि सभी किसानों तक किसी न किसी माध्यम से, वो चाहे मीडिया के माध्यम से हो, प्रचार के माध्यम से हो, या मीटिंग के माध्यम से हो, क्रॉप सेमिनार के माध्यम से हो, डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से हो, हम किसानों के बीच में जाके इनको बारे में समझा रहे हैं, इनको कैसे प्रयोग करना है, इसे प्रयोग करने से क्या क्या लाभ है। तो हमारे पास बहुत है, हम लिटरेचर भी काफ़ी छपाए हैं, लिटरेचर भी किसानों को हम दे रहे हैं, तो कई साधनों से हम किसानों को इसको हम बता रहे हैं कि एक आपका उर्वरक, एक नैनो जो उर्वरक है एक अच्छा खाद है और आपको उपज को बढ़ाने के लिए और मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए इसके बारे में हम किसानों को बता रहे हैं। झारखंड में क्या लग रहा है स्थिति सर? झारखंड में तो अभी तक तो किसान प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सभी किसान नहीं प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अनुमान है कि अभी 40-50% किसान हमारा प्रयोग ये शुरू कर दिए हैं और आगामी आने वाले दिनों में रवि 2024-25 में हमारा एक अच्छा कैंपेन चलाएंगे 9 अक्टूबर और नवंबर महीने में, जिसके कारण किसानों के बीच में और पहुंचा जाए और कई तरह से हम लोग मीडिया के भी माध्यम से और अपने जो हमारे जो स्टाफ हैं और हमारे जो और जो हैं समिति हैं जो मेंबर हैं उनके माध्यम से हम सभी किसानों से
इसके लाभ के बारे में बताएंगे, जिसके कारण किसान इसका प्रयोग कर सके और अपना लाभ ले सके। सर, ऐसा लगता है कि कहीं कहीं अगर सरकार की तरफ से थोड़ी मदद मिल जाती तो और भी ज्यादा बेहतर रहता, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच पाते। अगर इसमें सरकार की तरफ से कुछ हमको अगर सब्सिडी मिल जाती तो और अच्छा हो जाता, तो किसानों को भी और अच्छा लाभ होता। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इसमें शामिल हो, सरकार भी अपने स्कीम में नैनो DAP की शामिल करें, जिसके कारण किसान इसका और प्रयोग कर सकते हैं और किसान इसका लाभ उठा सकें। सर, आपने कहा कि बहुत कम मूल्य में इफको कंपनी रासायनिक उर्वरक किसानों को मुहैया करा रही है, बहुत ही कम दाम है, आराम से यूज कर सकते हैं, फिर भी अगर किसान इसे यूज नहीं कर रहे तो क्या कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनमें इसकी समझ नहीं हो पा रही है या कहां चूक रह जा रही है? अभी किसान एक नई प्रोडक्ट है, तो नई प्रोडक्ट को किसान अभी पूरा समझ नहीं पा रहा है। अगर उसको दिया भी जा रहा है तो थोड़ा सा, क्योंकि वो ऑलरेडी 40-50 साल से बोरा वाला यूरिया, बोरा वाला DAP वो प्रयोग करते आ रहा है, तो किसान को हैबिचुअल होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन किसान पकड़ लेंगे। हम लोग इसको प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं, डिमोन्स्ट्रेशन में लगे हुए हैं, तो किसान को एक जो दिमाग से इसको, मतलब उनके अंदर एक नैनो यूरिया का क्या लाभ है, नैनो यूरिया कैसे प्रयोग करते हैं, उसको एक दिमाग में हमको जब तक नहीं घुसाएंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर मतलब कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं किसानों के बीच में, तो समय है, समय होगा, हम लोग रबी सीजन में इसको और अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार में लगेंगे। सर, अंतिम सवाल आपसे ले रही हूँ, इफको सहकारी संस्था है और यहाँ से रासायनिक उर्वरक काफी ज्यादा गुणवत्तापूर्ण हो रहे हैं, हेल्थ पर भी असर नहीं करेंगे, अंतिम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सभी किसान भाइयों से यह आग्रह करते हैं कि आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग 50% कम कीजिए और उसके बदले में आप नैनो यूरिया, नैनो DAP का प्रयोग को बढ़ावा दीजिए। अगर किसी प्रकार की आपको कठिनाई होती है तो हमारे सभी जिले में फील्ड असिस्टेंट हैं और कुछ जिले में हमारे फील्ड ऑफिसर हैं, उनसे आप संपर्क स्थापित करें। अगर आपको किसी टाइप का मतलब प्रॉब्लम है कि हम नहीं जानकारी पा रहे हैं कैसे स्प्रे करेंगे, तो आप हमारे फील्ड ऑफिसर और फील्ड असिस्टेंट से भी आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर समादर्शी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत कुछ जानकारी दी कि किस तरह से किसान अपने खेतों में इफको की तरफ से रासायनिक उर्वरक जो प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं उसे यूज करके खेती को और अच्छा बना सकते हैं और बहुत ही कम मूल्य में ये उपलब्ध है। तो ज्यादा से ज्यादा किसान अगर इसका उपयोग करते हैं तो खेती तो अच्छी होगी और कहीं ना कहीं उनका आर्थिक लाभ भी इससे मिल सकेगा। फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।